अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डगर पर नंगे पांव चल रहे हैं। वहीं कार्यशाला में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर निर्माण के लिए रखे गए हुए पत्थरों को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे ही सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप जो महाराष्ट्र से आया हुआ है वह भी कार्यशाला में पहुंचा हुआ है, जिसमें रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, महिलाएं हैं, जिनके अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम के नारों के साथ कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को राम मंदिर के रूप में माथे लगाकर देख रहे हैं। इन सभी सीनियर सिटीजन का कहना है कि उनके जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण हो, जिससे वह जल्दी ही अयोध्या दोबारा आकर भव्य मंदिर में भगवान श्री राम का दर्शन कर सके। मैं एक्स फौजी आदमी हूँ, मैं 1971 में यहाँ आया था, फैजाबाद में हमारा मुकाम था, तो उस टाइम पे हमने बहुत सारा दर्शन दिया इधर। तो मेरी मनोकामना है, दिल से है कि राम मंदिर कुछ भी हालत में बनना चाहिए, बनना चाहिए और बन के रहेगा। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे अभी पहली बार ये यहाँ दर्शन ले रहे हैं, ये सब जो बनाया हुआ है इसका दर्शन ले रहे हैं। अभी मुड़ यहाँ पे जाएंगे, जो जमीन है उसका वो यहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये राम मंदिर कुछ भी हालत में। 1996 में जब इधर कुछ हुआ तो उस यहाँ की वीट इधर लाई थी पुणे में, और हम जब तक जीवित है तब तक मंदिर बनना चाहिए। अगर हमारे बच्चे भी यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, जरूर करेंगे। जय श्री राम। क्या प्रबल इच्छा है आपकी? हम लोग पुणे महाराष्ट्र से आए हैं, हम लोगों की प्रबल इच्छा है हमारे जाने के पहले ये मंदिर का डिसीजन आ जाए। हम उसके लिए 60 से 80 साल की उम्र के केवल सीनियर सिटीजन आए हुए हैं। पुणे तुम्हारी जय हो। जय श्री राम। क्या नाम है? जय श्री राम। हम लोग महाराष्ट्रियन लोग हैं, मैं किसी अलग अलग नाम के हैं, इसमें सारी जाति के हम लोगों का एक ग्रुप है, सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप, जिसके अंदर में सब लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए रिटायर्ड लोग हैं। मेरा नाम जगदीश, मुंबई से आई हूँ, रहने वाली मध्य प्रदेश की हूँ। और जिस समय ये कार सेवा का टाइम हुआ था, हमारे वहाँ से उज्जैन से मेरे ससुर भी यहाँ ये ईंटें लेकर आए थे जिसमें जय श्री राम लिखा था। उसके बाद उन्होंने मतलब सजा भी हुई थी उनको, कैद में गए थे। लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी पूरी इच्छा है कि मंदिर यहीं बनना चाहिए, और मंदिर बनना ही चाहिए क्योंकि ये राम की जन्मभूमि है। जय श्री राम। जय जय श्री राम।